हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र सिंह आज आपके सामने लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स के ट्रिक्स जो किसी भी आने वाले कम्पिटेटिव एग्जाम में जो बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। क्योंकि मोस्टली बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि जो वो सम तो निकाल लेते हैं उनकी जो स्पीड नहीं बनती, लेकिन उसको स्पीड ना बनने का कारण यही होता है क्योंकि उनकी जो बेसिक कैलकुलेशन होती है वो वीक होती है। अगर बेसिक कैलकुलेशन हमारी स्ट्रांग होगी तो हम किसी भी सम को 30-40 सेकंड में हम उसको सम को निकाल सकते हैं। तो आज हम उसी स्पीड और जो स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम लोग आज बेसिक कैलकुलेशन में सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन को कैसे करते हैं वो ट्रिक से। सबसे पहले आज सीखेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में स्टूडेंट सबसे पहले इसमें जो होता है बेस होते हैं, बेस से हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले बेस होता है 10 का बेस, फिर 100 का बेस होता है, फिर 1000 का होता है, ठीक है। उसके बाद एक 9 का बेस आता है और एक 11 का बेस आता है। इन सभी बेस के साथ हम लोग आज मल्टीप्लिकेशन की जो है ट्रिक्स को सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे 10 के बेस के साथ। तो हम लोग कैसे 10 के बेस के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये जो स्टूडेंट्स जो 10 का जो बेस है, ये 30 जो अगर हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है 30 के नीचे 10 से लेकर 35 के बीच में अगर मल्टीप्लाई करनी है तो उसके उसमें ये काफी कारगर साबित होता है। जैसे देखते हैं, अगर हम लोग मल्टीप्लाई करना है 15 गुना 12 करना है, 15 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले अगर किसी भी अगर जो भी आपका जो सबसे आसान वाला जो टेबल जो आपको आता है उसी को उठा ले। अगर जैसे ये वाला जो पूरा पूरा उठा के 12 को ये पहले वाले से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। इसका कहता है 12 × 12, इसके साथ एक जीरो लगा लें, ठीक है। उसके बाद दूसरी से मल्टीप्लाई करें 12 × 60 और इसको 60 को उसमें जो है ऐड कर दीजिए, इसका आंसर आएगा 180। इसको अपने स्टूडेंट अपने माइंड में करना है। पहली बार दिक्कत आएगी, पहले आप लिख के करें, लेकिन बाद में आप जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप माइंड में इसको कर सकते हैं, ओरली आप इसको कर सकते हैं। जैसे अगर अदर एक और हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, अगर हम लोगों ने करना है 16 × 14, ठीक है, पहले इसको करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, 14 तो हम लोग इस एग्जांपल से सीखेंगे। जैसे अगर जो पूरा का पूरा 14 है इसको एक के साथ मल्टीप्लाई करोगे 14 × 14, इसके साथ एक जीरो लगा ले, ये ट्रिक में। और इसको 14 को फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 × 6 = 84, इसको प्लस कर दें, 224 आंसर आ गया। ये वाला स्टूडेंट्स हम लोग पहले आपको पहले बता चुका हूं कि पहले आप लिख के ट्राई करिए, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आप फिर बाद में इसे ओरली कर सकते हैं। और इसके बाद आता है हम लोग जैसे अगर लोग करते हैं एक और एग्जांपल से सीखेंगे। जैसे अगर हम लोग 25 × 20 से करते हैं, ठीक है, 20 को करते हैं 2 से, 20 × 40 एक जीरो लगा ले साथ में, 20 को 5 से किया पूरा 100 आ गया, टोटल कितना हो गया 500। तो इसी तरीके से हम लोग जो 10 के बेस के साथ जो है जिस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर इसके ऊपर आ जाए, जैसे अगर एक एग्जांपल लेते हैं, दूसरा बेस आता है 100 का बेस। 100 के बेस में ये होता है, जैसे अगर ये एग्जांपल लेते हैं हम लोग 105 × 107, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये 100 से शुरू कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है और ये कितने ज्यादा है 7, ठीक है। हम जो ये जो एक्स्ट्रा लिए हैं इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, 5 × 7 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 35, ठीक है। और ये जो 7 या 5 है इसको अगर इसमें प्लस कर दो या इसमें प्लस कर दो आंसर सेम आएगा। जैसे हम लोग ये कर रहे हैं 105 में ये 7 प्लस कर दें तो कितना आता है 112, ये आंसर आ गया। तो हम लोग एक और एग्जांपल के साथ करेंगे। जैसे एग्जांपल है,
115 गुणा 112, ये 100 से कितने ज्यादा है 15, ये कितने ज्यादा है 12, और दोनों को मल्टीप्लाई किया 15 12, जैसे पहले हम लोगों ने किया है 10 के बेस के साथ, उसी के माइंड से कीजिए, 15 12 कितना हो गया 180। लेकिन स्टूडेंट हम लोग 180 पूरा नहीं लिखेंगे इसमें, जो 100 का बेस है, 100 के बेस में जो 100 में जीरो कितने होती है 2, तो हम लोग लास्ट में भी डिजिट 2 ही लेंगे, जैसे 80 ले लिया, जो ये 1 है ये हम लोग कैरी रखेंगे, ठीक है। अब वही वाला प्रोसेस, इसमें प्लस कर दें या इसमें प्लस कर दें, 12 115 प्लस किया कितना हो गया 127, ठीक है 127, और एक ये वाला कैरी लिया 128, ये आंसर आ गया। और इसी के साथ अगर हम लोग एक और बेस लेते हैं जो 100 का आधा होता है, जैसे 50 का बेस, ठीक है 50 100 का स्टूडेंट्स कितना होता है 1/2 हाफ होता है। जैसे हम लोग इसमें एग्जांपल लेंगे 55 × 53, ये 50 से कितनी ज्यादा है 5 है, ये 3 ज्यादा है, वही प्रोसेस 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 15, ठीक है। ये तो 2 डिजिट आए हैं, जैसे हम लोग आपको बोला 100 में जो 2 जीरो होती है तो उतनी डिजिट लेंगे, ये 100 जो 50 है बेस, ये 100 का हाफ होता है, इसलिए हम लोग 100 ही बेस मानते हैं इसको। वही काम फिर से इसमें प्लस कर दिया कितना हो गया 58। अब इसमें ये इसका जो क्या चेंज करना है, जो 50 100 का हाफ होता है तो हम लोग इसका भी हाफ कर देंगे, जो 55 को 3 में प्लस किया कितना 58 आ गया, तो 58 का हाफ कर देंगे हम लोग, कितना आ गया 2 × 4 = 2 9 = 18, ये आ गया आंसर 2915, ठीक है। इसको एक और एग्जांपल के साथ करेंगे हम लोग, मान लीजिए 66 × 62, ठीक है ये 50 से कितना ज्यादा है 16, ये कितना ज्यादा है 12, अब इसको मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, पहले इसको कर लेते हैं जैसे हम लोग पहले सिखाया 10 के बेस के साथ, ठीक है 12 × 120, 72 कितना आ गया 192 आ गया। अब इसके आपको बोला था कि पूरा पूरा नहीं लेना है, क्योंकि ये 3 डिजिट है तो 100 में 2 जीरो होती है तो हम लोग 2 ही डिजिट लेंगे, जैसे लास्ट वाले 92 लेंगे, एक जो कैरी लेंगे। अब इसमें ये प्लस कर देंगे कितना आ गया 66 और 12 प्लस कर दिया कितना 66 और 10 76 और 2 कितना हो गया, तो स्टूडेंट्स हम लोग इसमें जो कर रहे थे, जैसे इसमें 92 ले लिया हमने, फिर इसमें प्लस करते हैं कितना आएगा 78, और 78 का हम लोग हाफ करेंगे क्योंकि 50 बेस है, तो हाफ कितना होता है 39 और ये 1 प्लस किया जो कैरी होगा 40, ये आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद आता है 1000 का बेस, सेम जैसे 100 का बेस लिया था हम लोगों ने, इसमें कितना होता है अगर प्लस किया 1009 × 1008, इसको मल्टीप्लाई करना है, ये 1000 से कितना ज्यादा है 9, ये 8, ठीक है, और 8 को 9 से मल्टीप्लाई कितना किया आगे कितना आ गया 72। लेकिन स्टूडेंट 1000 में जीरो कितनी होती है 3, तो इसमें जो डिजिट भी लास्ट में 3 ही आएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे इसके साथ एक जीरो लगा देंगे आगे, ठीक है ये 3 डिजिट हो गए। अब इसमें ये प्लस कर देते हैं कितना आ गया 1017, ये आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो हो गए हमारे तीनों बेस, इसमें अगर आ जाए जैसे 100 के बेस में आ जाए, अगर कम में आ जाए 100 से, अगर 98
मल्टीप्लाई 96 आ जाए। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें भी सेम करेंगे लेकिन इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये 100 से कितना ज्यादा कम है, 2, ये 4, दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 8। लेकिन 100 में ऐसे आपको बताया कितने जीरो होती है, 2 जीरो होती है, तो डिजिट कितने आ जाएंगे 2, इसमें एक जीरो डालेंगे, ठीक है। और इसमें कितने, अब पहले जो करते थे हम लोग प्लस करते थे, लेकिन अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे हम लोग। 98 में से 4 माइनस कर लो, या 96 में से 2 माइनस कर लो, कितना आ गया 94, ये आंसर आ गया। इसी तरह हमसे हम लोग इसी तरह से जैसे हम लोग ऐसे माइनस किया, इसी में से 50 के बेस में भी ऐसे करेंगे, 1000 के बेस में भी ऐसे करेंगे, और 100 के बेस में भी ऐसे माइनस करेंगे। बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन उसमें क्या करना है, बस हम लोगों ने माइनस करना है। तो स्टूडेंट्स ये तो थे हम लोगों ने आज कुछ 3 बेस किए, 10 का, 1000 का, 50 का और 100 का बेस किया। और एक बेस आता है हमारे पास 9 का बेस। इस तरह के जो 9 के बेस के समय जो एसएससी में काफी आते हैं, एसएससी हो गए, सीएचएसएल में हो जाए, सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 9 के बेस वाले क्वेश्चन आते हैं। हम लोग कैसे करेंगे, जैसे होता है 9 × 9 × 1 3 4 2, इसको अगर हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, इसका ट्रिक है छोटा सा। जो स्टूडेंट जो नंबर लिया हमने, इसका एक माइनस करके लिख दो, सेम 1 3 4 1, इसका एक माइनस करके लिखना है हमने। और बाद में जो ये आंसर आएगा, नीचे वाला जो नंबर आया हमारा, इसमें से माइनस करेंगे 9 वाले में। 9 में से एक गया कितना आ गया 8, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 1 गया 8, ये आंसर आ गया, हमारा आंसर निकल आया एक छोटे से ट्रिक्स के साथ। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें एक कंडीशन है कि ये ट्रिक कहां पे लगता है, अगर हमारे ये डिजिट 4 है नंबर में और 9 कम है तो उसमें ये ट्रिक नहीं लगेगा। अगर इसमें 9 4 है या जितने भी हैं, इसमें इससे कम है एक, अगर इसमें अगर 342 भी होता तो फिर भी ये ट्रिक लग जाता है, उसमें कहता है एक जीरो लग जाती है, ठीक है। ये तो हो गया 9 बेस, इसको एक एग्जांपल के साथ और समझेंगे हम लोग। जैसे हो गया 9 9 9, इसको मल्टीप्लाई किया 7 5 6 4 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने आपको बताया कि इसमें ट्रिक है कि इसमें से एक माइनस करके लिखना है, कितना आ गया 7 5 6 4 1। अब इसमें जो ये नंबर आया इसमें से माइनस कर देंगे 9 वाले में से। अब 7 में से 9 गए कितने आ गए 2, 9 में से 5 गए 4, 6 गए कितना आ गया 3, और 4 गया 5, आगे आ गया 8, ये आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा 9 का बेस। तो स्टूडेंट हमने सीखा 9 बेस, अब हम करेंगे 11 का बेस। इसके भी जो सम आते हैं एसएससी में, जो नॉर्मल जो अपने सेंटर एग्जाम आते हैं एसएससी के आते हैं, जो कोई भी कंप्यूटर एग्जाम है उसमें 11 बेस के जो सम बेसिक कैलकुलेशन में आते रहते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से करेंगे 2 4 6 3 1 2, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 11 से। तो इसमें ट्रिक क्या है स्टूडेंट्स, अगर हम लोग ने 11 से मल्टीप्लाई करना है तो एक जीरो आगे लगा दीजिए और एक इसके पीछे लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, दो दो डिजिट को प्लस करेंगे। इसको दोनों को प्लस किया कितना आ गया 2, इन दोनों को प्लस किया कितना आ गया 3, इन दोनों को प्लस किया 4 3 4, 6 और 3 9, 4 6 10, 10 का 0 एक कैरी ले लिया, 4 और 2 6, और एक ये हो गया 7, और ये 2, ये आंसर आ गया।
इसको एक और एग्जांपल से करेंगे हम लोग, चार दो तीन एक पांच छः, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ, इसके पीछे एक जीरो लगा दें, इसके आगे लगा दें, दो दो को प्लस करेंगे, छः जीरो कितना होगा, छः छः पांच 11, 11 का एक एक कैरी हो गया, पांच एक छः और एक ये कैरी ले गया सात, तीन एक चार, तीन और दो पांच, चार दो छः और ये चार का चार, ये आंसर आ गया, ये हो गया 11 बेस। और अगर इसमें अगर हम लोग 111 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 1 3, हम लोग करेंगे 111 से, ये स्टूडेंट 11 का बेस हम लोग कर रहे हैं जो हमारे बेसिक कैलकुलेशन में आता है, जैसे एक एसएससी एग्जाम अगर कोई भी कंपिटेटिव एग्जाम बैंकिंग एग्जाम में काफी ये आता है हमारा। 11 में क्या कितना जीरो लगाई थी, एक आगे लगाई थी एक पीछे लगाएगी, और जो 111 में हम लोग क्या करेंगे, दो जीरो पीछे लगा देंगे, दो जीरो आगे लगा देंगे, ठीक है, तीन तीन को प्लस करेंगे, ये डिजिट कितने तीन है तो प्लस भी तीन करेंगे हम लोग, तीन और जो तीनों प्लस किया कितना आ गया चार, जो तीनों प्लस किया कितना आ गया छः, जो तीनों प्लस किया तीन दो पांच छः, तीनों को प्लस किया कितना चार तीन सात दो नौ, चार दो छः तीन नौ, चार दो छः जीरो पे जीरो छः, ये कितना आ गया दो, ये आंसर आ गया। तो आज स्टूडेंट्स हमने जो मल्टीप्लाई की ट्रिक सीखा है, इसमें हम लोगों ने 10 बेस किया, 100 का बेस किया, 1000 का बेस किया, उसमें हम लोग 50 का बेस भी किया जो 100 का आधा होता है, हमने 9 का बेस किया, 11 का बेस किया। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो ट्रिक्स को अप्लाई करके पहले तो हम लोग पहले लिख के करेंगे, बाद में जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ओरली इसको कर पाएंगे। तो आज तो हम लोगों ने किया मल्टीप्लिकेशन, तो नेक्स्ट जो अभी क्लास आएगी उसमें हम लोग करेंगे स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर करेंगे, कुछ जो भी बेसिक कैलकुलेशन में आता है, तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।